भारत के जंगलों में शेर, बाघ और तेंदुआ पाए जाते हैं। साल 1947 में देश में आखिरी बार चीता दिखा था, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा साल 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया। हालांकि अब लंबे समय बाद भारत में शेर, बाघ, तेंदुआ के अलावा चीता भी देखने को मिलेंगे। जंगलों में रहने वाले ये चारों जानवर बेहद शक्तिशाली होते हैं। वैसे शेर और बाघ को लेकर लोगों में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहती है, तो आज हम बात करेंगे तेंदुआ और चीता के बारे में। चीता दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है। चीता आमतौर पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। हालांकि इसकी दौड़ने की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, लेकिन चीता ज़्यादा दूरी तक नहीं दौड़ सकता है। ये अपनी अधिकतम गति में सिर्फ एक मिनट दौड़ सकता है। 3 सेकंड में चीता 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। तो चीते से ज़्यादा ताकतवर तेंदुआ होता है। इसकी अधिकतम लंबाई 6.2 फीट होती है और यह 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। आमतौर पर तेंदुए रात में शिकार करते हैं, क्योंकि इन पर शेर और बाघ के हमले का डर रहता है। ये किसी भी मध्यम आकार के जानवर को अपना शिकार बना सकते हैं। ये इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, कौन ज़्यादा ताकतवर है, चीता या तेंदुआ? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।